मेरा नाम मालो देवी है और मेरा गांव का नाम है सांडी तिलैया, जिला रामगढ़ और झारखंड राज्य है। और हम लोग पांच परिवार हैं, एक मेरा हस्बैंड है और एक बेटी है 13 साल की और मेरा बेटा है 1.5 साल का। हम लोग का ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 50 डिसमिल ही ज़मीन है, उसी में हम लोग धान करते हैं, धान का खेती, आलू का हो गया और आलू प्याज इस तरह से, और बरसात में करते हैं मक्का लगाते हैं। तो हम लोग यानी कि एक साल में 6 महीना ही खेती करते थे बरसात वाला, और बरसात का पानी जो रहता था उसी से हम लोग सब्जी कुछ उगाते थे। तो उसी उसके बाद बाकी 6 महीना हम लोग बाज़ार से खरीद के लाते थे। बाज़ार से जब सब्जी लाते थे तो यानी कि सप्ताह में 500-600 रुपया खर्चा हो जाता था, पूरा सौदा लगा के सब्जी 200-300 का लेते थे और लाते थे और रखते थे, तो रात भर ठीक रहता सुबह गल जाता था। पहले जब मेरी बड़ी बेटी थी उस टाइम खाना कमी था, यानी महंगा खाना नहीं खा पाते थे, और जैसे जैसे खाना खाते थे मतलब 4 बार खाना है तो 2 ही बार खाते थे, 3 ही बार यानी। तो जब बड़ी बेटी हुई तो उस टाइम मेरा बहुत दिक्कत हुआ था। झारखंड में जो पोषण की कमी है और इसका जो स्टेटस है, इसको आप जब रेफरेंस लेते हैं नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से, तो उसमें ये दर्शाता है कि जो 5 साल के बच्चे हैं वो करीब 70% ऐसे बच्चे हैं जिनको आयरन की कमी है। ये वन ऑफ द बिग फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर है जो जिसमें पोषण की कमी दर्शाई गई है। दूसरा ये है कि जो महिलाएं हैं जो 15 साल से 49 साल के बीच हैं, उनको वैसी 65% जो है महिलाएं हैं जिनको आयरन की कमी है। इसका जो प्रमुख कारण प्रतीत होता है वो ऐसा है कि ग्रामीण के बीच संदेश जिस तरीके से हमें पहुंचाने चाहिए, हमने पहुंचाई नहीं उनको। इस विषय को एक गंभीर समस्या मानते हुए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत एक पोषण संबंधित मॉडल बनाने की जो है हमने परिकल्पना की है, जिसके अंतर्गत जो महिला और बच्चे हैं उनमें पोषण और स्वास्थ्य संबंधित उनमें जो कमियां हैं, स्पेशली उनमें जो खून की जो कमियां हैं उसे हम दूर कर पाएं। इसे ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि समुदाय को पोषण वाटिका के बारे में जानकारी दी जाए, उनको जागरूक किया जाए ताकि वो अपने पोषण स्तर को और बेहतर कर पाएं, जिसके लिए पोषण वाटिका के बारे में भी जानकारी दी जाए। कृषि के विषय में जब हम लोगों ने इनको जानकारी दिए तो डिजिटल ग्रीन के आधार से हम लोगों ने जो पोषण का, स्वास्थ्य और पोषण का जो वीडियो हम लोगों ने दिखाए, वो दिखाकर हम लोग दीदी को पूरी तरह समझाने का प्रयास किए कि दीदी ये पोषण और स्वास्थ्य है क्या। पोषण और स्वास्थ्य हम लोगों ने आराम से कहा कि कोई भी गांव की दीदी अपनाती नहीं थी, लेकिन हम समझ गए कि अगर छोटा सा पोषक वाटिका से हमारा ये पोषण और स्वास्थ्य दोनों जुड़ा हुआ है, अगर सुधार आ जाए गाँव में तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सब 2 वर्ष से पोषक वाटिका कर रहे हैं, तो हम लोग को पहले ट्रेनिंग यहाँ मिला, जैसे कि वीडियो दिखाया कि पोषक वाटिका करने से क्या फायदा है, क्या क्या लाभ मिलेगा, तो हम लोग उसी अनुसार से ट्रेनिंग मिला। फिर CRP दीदी जो है वो साथ में आई और बताई कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या लगाना है, इसमें क्या लाभ है और इसमें क्या आपका सुधार होगा, तो वही सब देखे और पोषण वाटिका शुरू की। तो हम लोग महिलाएं खुद को अपने छोटा सा 1.5 डिसमिल का प्लॉट रहता है, घर के आगे या पीछे जो भी प्लॉट मेरा है
उसमें आराम से जाके जहाँ देख रहे हैं कि पानी का जमाव कहाँ होना चाहिए, जलकुंड कहाँ बनेगा, पानी का बचत, पानी की बचत से हम कैसे छोटा सा पोषण वाटिका कर सकते हैं, ऐसा प्लॉट लेकर हम लोगों ने खुद का दीदी से बताकर हम लोगों पोषण वाटिका छोटा सा बना लेते हैं। अब बनाने के बाद उसमें 8 बेड बनाकर सुंदर ढंग से 8 प्रकार की सब्जी भी लगाते हैं। पहले एक ही सब्जी एक ही दाल बनाते थे, और अभी जो हो गया हम लोग का अपना बाड़ी में है अभी पोषक वाटिका, तो उसमें हम डेली तोड़ के और साग हो गया, भिंडी का भुंजिया हो गया, बैंगन का हो गया, मैंने तीन से चार तरह से सब्जी बना के अपना मनपसंद फटफट खाना खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। यानी परिवार में हम लोग अपना ये पोषक वाटिका करके बहुत खुश है कि हम लोग बीमारी से भी दूर हैं और शरीर भी स्वस्थ है, और हमको बाजार जाने का टेंशन नहीं रहता है कि हमको सब्जी लाना है। झारखंड में कृषि वर्षा आधारित है, जिसके कारण किसानों को सालों भर फल और सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। पोषण वाटिका के इस मॉडल को अपनाकर किसानों को सालों भर हरी सब्जियां और फल उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही उनके खान पान में विविधता भी आ रही है। यही वजह है कि इसे लोग काफी बड़े स्तर पर अपना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में 2 मुख्य उद्देश्य हैं, एक आजीविका संवर्धन, दूसरा उनकी पहचान को स्थापित करना, तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि उनके स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर की जाए। और मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि जो पोषण वाटिका है और उसका जो स्वरूप अभी जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में आच्छादित जो परिवार हैं जिन्होंने अभी अभी ये कार्यक्रम को किया है, वो बहुत ही सफलतापूर्वक अपने ये 2 विषयों को, समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो पा रहे हैं। जो भी है मेहनत, यानी कि अपना घर का सामने का है, तो जब भी समय मिला तब भी हम जाके अपना थोड़ा सा मेहनत कर लिए। लगाना ही बहुत आसान है और खाना भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे शरीर को अलग अलग पोषक तत्व चाहिए, उसी तरह से हम अपना पोषक वाटिका में अलग अलग से अलग अलग तरह से सब्जी लगाए हैं, और वो अपने खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, यानी हम भी स्वस्थ, मेरा परिवार भी स्वस्थ। सारी महिला के लिए हम ये बात संदेश देना चाहते हैं कि जो अगर गर्भवती माँ है या धात्री माँ है, उसको तो खान पान पर विशेष ध्यान देना है, अपने ऊपर और अपने बच्चे ऊपर। इसके लिए मेरा कहना यह है कि हर एक दीदी अपना सबका छोटा जगह है या जमीन है, तो उसमें पोषक वाटिका करें और सब्जी उपजाएं और खाएं।